हेलो, गुड डे। इसके पहले वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। कुछ नया शुरू करने के पहले, और नया जो शुरू करना है, द फेमस रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी इंट्रोड्यूस्ड बाय आइंस्टाइन, E=mc². लेकिन उसे करने के पहले मैं चाहूँगा कि कुछ न्यूमेरिकल्स कंसर्निंग वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी के लिए कुछ और करा दिया जाए। और फिर मैंने आपसे साथ ही साथ ये भी निवेदन किया था कि आपकी किताबों में जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन सबको कर डालिएगा, तो फिर इससे संबंधित यदि न्यूमेरिकल आपको आते हैं वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, तो वो सारे के सारे न्यूमेरिकल आप इफिशियंटली विदाउट एनी मिस्टेक आप कर पाओगे। तो एक न्यूमेरिकल हम ऐसा लेते हैं, इस तरह का कर भी चुके हैं ऑलरेडी हम। द मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.67 into 10 to the power minus 27 kilogram. It is given. The mass of the proton is 1.67 into 10 to the power minus 27 kilogram. Mass of the proton का मतलब है, it is the rest mass of the proton. Mass of the electron जो आप जानते हो, 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram. इट इज नथिंग बट द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही न्यूट्रॉन हो तो न्यूट्रॉन का रेस्ट मास ऑफ द न्यूट्रॉन, क्योंकि वो दिया हुआ है तो उसके साथ कंडीशन नहीं है कि ये चल रहा है। सो दिस इज द रेस्ट मास ऑफ द प्रोटॉन। विथ व्हाट स्पीड should it be moved with what speed should it be moved such that its mass becomes 2 times of its rest mass. ये प्रश्न है। प्रोटॉन का रेस्ट मास दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम। अब प्रोटॉन को किस स्पीड से चलाया जाए कि प्रोटॉन का मास, रिलेटिविस्टिक मास, अपने रेस्ट मास का दुगना हो जाए, उस स्पीड को बताना है, उसे कैलकुलेट करना है। तो फिर इसके लिए फार्मूला जो है आप जानते ही हो, m=m₀√1-v²/c² का प्रयोग करेंगे। m दिया है, गिवन m=2m₀, रेस्ट मास का दुगुना हो जाए तो चाहे इसका दुगुना करके लिखो, या ये m जीरो मान लिया तो इसका ये दुगुना हो जा रहा है 2m₀। इट इज गिवन, m दिया है इन टर्म्स ऑफ m₀ एंड v की वैल्यू पता करना है, इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो उचित होगा कि इस इक्वेशन को जो आपको दिया हुआ है, लेट इट बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, जिसे ज्ञात करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, स्क्वायर रूट 1-v²/c², दिस इज इक्वल टू m₀/m स्क्वायर कर दो ऑन बोथ द साइड्स, 1-v²/c², दिस इज इक्वल टू m₀
by m whole square. This can further be arranged in terms of velocity. तो ये इधर ट्रांसफर कर लो, इसको इधर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर और ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस एम जीरो बाई एम होल स्क्वायर. वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एम जीरो बाई एम स्क्वायर. फिर v के टर्म में लिखें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर और द वैल्यू फॉर v इट विल बी इक्वल टू c टाइम्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एम जीरो बाई एम होल स्क्वायर. तो ये एक एक्सप्रेशन आपने डेवलप कर लिया. अभी किसी न्यूमेरिकल फिगर का, न्यूमेरिकल डेटा का इस्तेमाल नहीं किया है, सीधे सीधे आपने केवल इस एक्सप्रेशन को m इज इक्वल टू एम जीरो डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को कन्वर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ वेलासिटी. अब दिया हुआ है m इज इक्वल टू 2 एम जीरो, दिस इज गिवेन. तो इसलिए यहाँ से अब वैल्यू रखिए, इट इज c डिवाइडेड बाई c स्क्वायर रूट 1 माइनस एम जीरो and the value for m is equal to 2m0 whole square. m0 cancels, it is 1 by 2 square. Value aa jayegi v is equal to c times the square root 1 minus 1 by 2 ka square, to 1 minus 1 by 2 का स्क्वायर 1 by 4. So we get C square root. सॉल्व करें इसको, 4 minus 1 is 3, 3 by 4. And thereby the value for the velocity with which the proton be moved, V is equal to root 3 times divided by 2, root 3 divided by 2 into C. So this is the answer. V is equal to root 3 by 2 C is the answer. This is the velocity with which proton be moved such that its mass becomes 2 times of its rest mass. So rest mass ko m0 maan liya, isko rakho ya iska dugna kar do, again we will be getting 1 by 2 aur iski sahayata se is tarah se nikala ja sakta hai. So this is the way. तीन ही पैरामीटर हैं, द रिलेटिविस्टिक मास m, द रेस्ट मास m0 एंड द वेलोसिटी v. अब इन तीनों में से कोई दो ज्ञात रहेगा, तीसरे की वैल्यू वेरी सिंपली फॉलोइंग दिस मेथडोलॉजी, द वैल्यू फॉर द वेलोसिटी, द वैल्यू फॉर द रिलेटिविस्टिक मास, द वैल्यू फॉर द रेस्ट मास, दैट कैन बी इवैल्यूएटेड वेरी इजीली. एक दूसरा न्यूमेरिकल हम और ट्राई करते हैं. मैं बता दूं किस तरह का न्यूमेरिकल है. द मास ऑफ ए मैन इज 50 किलोग्राम ऑन द अर्थ. आप हो, मैं हूं, मास 50 किलोग्राम दिया हुआ है. नाउ द मैन इज मूविंग विद द हेल्प ऑफ ए रॉकेट विद ए सर्टेन स्पीड सच दैट द मास ऑफ द मैन बिकम्स 50.5 किलोग्राम विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ऑब्जर्वर. अब वो जो आदमी है जिसका मास है 50 किलोग्राम, एक रॉकेट से वो चलता है और जब रॉकेट से चलता है तो ग्राउंड ऑब्जर्वर देखता है कि उसका मास जो है 50.5 किलोग्राम हो जाता है. तो बताना है आपको कि रॉकेट किस स्पीड से चल रहा है. तो क्या क्या दिया हुआ है, m0 दिया हुआ है 50 किलोग्राम,
m दिया है रिलेटिविस्टिक मास 50.5 किलोग्राम एंड यू हैव डिटरमिन अगेन द वेलोसिटी विथ विच द रॉकेट इज मूविंग। तो मैं लिख लेता हूं इस प्रश्न को, द मास ऑफ ए मैन, द मास ऑफ ए मैन इज 50 किलोग्राम when he is moving with a rocket ship his mass becomes 50.5 kilogram as observed by the ground observer। ग्राउंड ऑब्जर्वर ही देखता है कि मनुष्य का मास जो है 50 किलोग्राम, कोई स्पेसिफिक ले लिया, उसका मास है 50 किलोग्राम, और जब वो रॉकेट शिप से चलता है इन स्पेस, तो ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिखाई देता है कि उसका मास 50.5 किलोग्राम हो गया। तो आपको बताना है what is the speed of the rocket ship मैं फिर बता दूं प्रश्न क्या है। एक मनुष्य है, उसका मास है, ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिखाई देता है, ऑब्जर्व करता है तो उसका मास है 50 किलोग्राम। एक रॉकेट शिप से वो उड़ना शुरू कर देता है इन स्पेस, और जब वो चलता है तो ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिखता है कि उसका मास बढ़ गया और रिलेटिविस्टिक मास उसका 50.5 किलोग्राम हो गया। तो आपको बताना है कि किस स्पीड से रॉकेट चल रहा है। फिर भी एग्जैक्टली उसी तरह का प्रश्न है जैसा इसके पहले आपने किया है, तो उसी तरह के फार्मूलेशन से या मेथडोलॉजी आप यूज करेंगे। पहले इस इक्वेशन को डेवलप करोगे, मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आपको फिर कंफ्यूजन कोई ना रह जाए और इस तरह के प्रश्नों को आसानी से कर सको। द फार्मूला टू बी यूज हियर इन दिस केस, अगेन द वेरिएशन ऑफ मास विद द वेलोसिटी, m is equal to m0 divided by square root 1 minus b square by c square, जहां पर m is the relativistic mass of a body, of which the rest mass is m0 and the body is moving with a velocity of v। इसको v के टर्म में अरेंज करेंगे, और v के टर्म में अरेंज करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एम जीरो बाई एम, ये इधर आ गया स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दिस इज एम जीरो बाई एम, स्क्वायर कर लो ऑन बोथ द साइड्स, तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एम जीरो बाई एम होल स्क्वायर, और v के टर्म में इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए इसको इधर ट्रांसफर करिए, इसको इधर करिए, तो v बाई सी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, ये इधर गया तो प्लस हो गया और ये इधर आएगा तो माइनस,
1 minus m0 by m whole square. या v के टर्म में इसे लिख लें तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, दोनों तरफ ले लिया जाए, v इज इक्वल टू c टाइम्स स्क्वायर रूट 1 माइनस m0 बाय m होल स्क्वायर। ये इक्वेशन हम पिछले न्यूमेरिकल में भी डेवलप कर चुके हैं, और ऐसा नहीं कि आप ये भी कर सकते हो। दिस इक्वेशन कैन बी रीअरेंज्ड एज, ये डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, याद हो तो, और न याद हो तब फिर उचित होगा कि आप इतना डेरिवेशन कर लें, गलती की संभावना समाप्त हो जाएगी। अब आपको पता करना है क्या, वी पता करना है। एम जीरो की वैल्यू दी है 50 किलोग्राम, एम की वैल्यू रिलेटिविस्टिक मास दिया हुआ है 50.5 किलोग्राम, सब्स्टिट्यूट करिए, v will come out to be equal to c times square root 1 minus 50.0 m0 m 50.5 whole square। और इसको सॉल्व कर दीजिए, और सॉल्व करते ही किस वेलोसिटी से रॉकेट शिप चल रहा है उसका उत्तर आपको निकल आएगा। तो इस तरह से प्रश्न थोड़ा सा ऐसा विचित्र लगा कि एक आदमी है, उसका मास है 50 किलोग्राम, और जब रॉकेट शिप से चलता है विथ ए सर्टेन वेलोसिटी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो उसका मास बढ़ जाता है, और ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिखाई देता है कि उसका मास जो है 50.5 किलोग्राम हो गया। तो बताइए रॉकेट शिप किस वेलोसिटी से चल रहा है, प्रश्न इस तरह तक का था, और इसका उत्तर इस तरह से आप निकाल सकते हो। ये फिर एक दूसरे तरह का न्यूमेरिकल है, जहाँ पर कि अब मास रेस्ट मास का दूना नहीं हो रहा है, रेस्ट मास का चार गुना नहीं होता है, रेस्ट मास का 11 टाइम्स नहीं बढ़ जा रहा है। ये सारे न्यूमेरिकल्स इस तरह के आएंगे, किताबों में आपके दिए हुए हैं, सब निकाल लेंगे। यहाँ बहुत थोड़ी सी वृद्धि है, रेस्ट मास उसका 50 किलोग्राम, और रिलेटिविस्टिक मास, काइनेटिक मास भी कहा जा सकता है, ये रिलेटिविस्टिक मास आधा किलो बढ़ करके 50 किलोग्राम से 50.5 किलोग्राम हो जाता है, तो उसमें वेलोसिटी कितनी आएगी इसको निकालना है, और इसको आप निकाल सकेंगे। ऑब्वियस है कि मास में बहुत कम वेरिएशन हो रहा है, बहुत थोड़ी सी इंक्रीमेंट हो रही है, और इसलिए वेलोसिटी की वैल्यू काफ़ी कम आएगी, विल बी नॉट वेरी वेरी लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, बट विल बी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेकिन दोनों के बीच में अंतर काफ़ी आएगा, ये c बाई 10 c बाई 2 ना हो करके कुछ उससे अलग आएगा, जितना आएगा दैट कैन बी न्यूमेरिकली कैलकुलेटेड। ये तो ऐसा हुआ जिसमें कि हमने न्यूमेरिकल फिगर दे रखा है, m जीरो की वैल्यू पता थी, m की वैल्यू पता थी, और आपको वेलोसिटी ज्ञात करना था। मैं फिर रिपीट कर दूं आपको, बार बार मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूं, तो जरूरी नहीं कि वेलोसिटी आप निकालो, m पता होगा, v पता होगा, m जीरो की वैल्यू निकालनी है तो m जीरो भी निकालोगे, इसके उत्तर को यदि सब्स्टिट्यूट करके बैक करें तो m जीरो की वैल्यू 50 किलोग्राम जैसा इसमें आया है उस तरह का आ गया है। अब एक न्यूमेरिकल और हम ट्राई कर लेते हैं, और उसके बाद से फिर नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी एज डेवलप्ड बाय आइंस्टाइन, द फेमस मास एनर्जी रिलेशन, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज द एनर्जी, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो उसके पहले एक न्यूमेरिकल और, जहां पर आप न्यूमेरिकल फिगर मैं नहीं दूंगा, एक पिंड है, किस वेलोसिटी से उसको चलाया जाए ताकि उसका रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मास का मतलब बढ़ा हुआ मास, m, ताकि उसका रिलेटिविस्टिक मास इतना एक्सीड करे अपने रेस्ट मास से कि फ्रैक्शन उसका f हो। तो आप बताइए f और उसकी वेलोसिटी में क्या संबंध होना चाहिए।
तो इस तरह का प्रश्न है, तो उसको मैं फिर लिख देता हूं आपको। और मुझे लगता है जितने न्यूमेरिकल इसके पहले भी मैं कर चुका हूं, कम से कम 3-4 जरूर किया होऊंगा, आज भी मैं 3 न्यूमेरिकल कर दे रहा हूं, ये न्यूमेरिकल इतने काफ़ी होंगे आपके लिए, आपको इनेबल करेंगे कि इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल आए उसे आप आसानी से कर सको। विथ व्हाट वेलोसिटी, फिर यहाँ वेलोसिटी का ही वैल्यू निकालनी है, लेकिन किस तरह से, विथ व्हाट वेलोसिटी, विथ व्हाट वेलोसिटी वी such that v by c, with what velocity v पता करना है किस velocity से चलाया जाए, और c आप जानते हो velocity of light है, तो v by c का ratio जो है, v by c का ratio such that v by c is equal to beta, प्रश्न में दिया हुआ है, या ब्रैकेट में कर लें या कामा के अंदर लिख लें। विथ व्हाट वेलोसिटी वी सच दैट v by c इज इक्वल टू बीटा, ए बॉडी बी मूव्ड to increase its mass to exceed, कर दें better word, to exceed its relativistic mass with what velocity v such that v by c is equal to beta, a body be moved to exceed its relativistic mass by relativistic mass with respect to, exceed its relativistic mass with respect to its rest mass। मैं अर्थ बता दे रहा हूं अभी, विथ हिज रेस्ट मास, अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ, विथ व्हाट वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से, सच दैट v by c इज इक्वल टू बीटा दिया हुआ है कि v की वैल्यू c के कंपैरिजन में, v और c का रेशियो बीटा यदि लिखा जाए, तो उस पिंड को किस तरह से चलाया जाए कि इसका मास एक्सीड कर जाता है, एक्सीड its relativistic mass such that we move to exceed its relativistic mass with respect to its rest mass, rest mass ki tulna mein iska relativistic mass exceed kar jata hai by a factor f, by a factor f, do unknown parameters diye gaye beta aur f, with what velocity v such that v by c is equal to beta, a body be moved to exceed its relativistic mass, relativistic mass jante hi ho chalte samay jo mass hoga, with respect to its rest mass, ruke hue samay jo iska mass hoga, by a factor f, to itna diya hua hai, establish a relationship, a relationship in between, in between beta, the given one, and f, मैं जो लिखा है प्रश्न उसको फिर से दोहरा दूं,
किस स्पीड से एक पिंड को चलाया जाए, और स्पीड के लिए उन्होंने एक नया विथ रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट वी बाई सी को बीटा लिखा। तो किस बीटा से किसी पिंड को चलाया जाए ताकि इसका रिलेटिविस्टिक मास अपने रेस्ट मास का एफ भाग बढ़ जाए, एफ बाई ए फैक्टर ऑफ रिलेशनशिप बाई ए फैक्टर ऑफ एक फैक्टर एफ द्वारा इसका रिलेटिविस्टिक मास अपने रेस्ट मास का बढ़ जाता है। तो बीटा और एफ के बीच में संबंध स्थापित करिए। स्पष्ट है जो दिया हुआ है, एफ की वैल्यू को पहले डिफाइन कर दो। रिलेटिव इट्स टू एक्सीड बढ़ जाता है, इट्स रिलेटिविस्टिक मास, तो ये रिलेटिविस्टिक मास है, और टू इट्स रेस्ट मास, ये इसका रेस्ट मास है, उससे एक्सीड कर जाता है, मतलब दोनों का डिफरेंस। द रिलेटिविस्टिक मास इज एम, द रेस्ट मास इज एम जीरो, और दे रहा है बाई ए फैक्टर एफ, तो ये तो आर्बिट्रेरी हो गया। तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू एम जीरो इट्स रेस्ट मास, यह एफ के बराबर होगा। मैं फिर बता दूं ये संबंध कैसे स्थापित कर रहे हैं। एम जीरो इसका रेस्ट मास है, एम इसका रिलेटिविस्टिक मास है, रिलेटिविस्टिक मास एम, एम जीरो रेस्ट मास से एक्सीड कर जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। एक्सीड करने का मतलब एम माइनस एम जीरो। अब एम माइनस एम जीरो तो अलग है, अभी एक न्यूमेरिकल आपने लिया, मनुष्य का वजन 50 किलोग्राम है, मैं फिर वजन कह गया, वजन दूसरी चीज होती है, वजन नहीं, जनरल यूसेज में हम वजन कह लेते हैं कि मेरा वजन 50 किलोग्राम है, लेकिन वजन होने हो गया वेट, भार, और वेट की इकाई न्यूटन होती है। तो जब तक उसमें जी का गुणा नहीं करेंगे तब तक वह वेट नहीं कहलाएगा, एम जी जब तक नहीं होगा तब तक वेट नहीं कहलाएगा। इसलिए आदत डालो, हमारी भी आदत पड़ी है, लिखते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, करते रहे हैं। जैसे मान लो केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, केमिकल तौल रहे हैं, तो केमिकल तौलने के लिए पहले डिस्क को तौलते हैं, तो लिखते हैं वेट ऑफ डिस्क एम ग्राम। नो भाई, वेट ऑफ डिस्क नहीं है, मास ऑफ डिस्क एम ग्राम। लेकिन वही फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट करते हो, कहीं मास आता है तो लिखते हैं मास सस्पेंडेड ऑन द पैन, मास केप्ट ऑन द पैन, वहां वेट नहीं लिखते। तो वैसे ही इसका जो रिलेटिविस्टिक मास है यम हो जाता है, एक्सीड करता है, बढ़ता है किससे, अपने रेस्ट मास से, तो यम माइनस यम जीरो। अब ये आर्बिट्रेरी हो गया, 50 आपने लिया तो 50.5 हुआ पिछले न्यूमेरिकल में, 25 लिया तो इसका मतलब 10.25 हुआ, तो ये तो बदलता रहेगा। तो बाई ए फैक्टर एफ विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेस्ट मास इसका अर्थ हो गया। तो ये इतना आप बिल्डअप कर दोगे कि एफ की वैल्यू बराबर हो गई एम माइनस एम जीरो डिवाइडेड बाई एम जीरो। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ रही है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक्सीड करता है रिलेटिविस्टिक मास अपने रेस्ट मास से, एक्सीड करने का मतलब एम माइनस एम जीरो। और किसकी तुलना में एम माइनस एम जीरो आया, रेस्ट मास की तुलना में, तो डिवाइडेड बाय रेस्ट मास एम जीरो बाय ये फैक्टर एफ, एफ इस तरह से डिफाइन किया जाएगा। एंड वंस यू आर इन ए पोजीशन टू डिफाइन एफ, तो उसके बाद फिर एफ को आप ऐसे लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू एम बाई एम जीरो डिवाइडेड बाई एम जीरो माइनस वन, या एम बाई एम जीरो दिस इज इक्वल टू वन प्लस एफ। ऐसा हम इसलिए लिख लेते हैं कि एम अननोन है, 50 ग्राम था, 50.5 था, एम जीरो 50 था, हो सकता है एम जीरो 25 रहा हो, एम जीरो 10 रहा हो, तो अलग अलग उत्तर आएगा।
तो इसलिए हमने एम बाई एम जीरो का रेशियो एफ दिया हुआ है बाई ए फैक्टर एफ, तो उसके टर्म में लिख लिया 1 + f, सो दिस इज वन इक्वेशन वी विल बी यूजिंग। निकालना है अल्टीमेटली रिलेशनशिप। अब v बाई सी को b आपने कहा है तो आप इक्वेशन यूज करोगे m इज इक्वल टू m जीरो डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 - v² / c². ये सूत्र है जिसका उपयोग किया जाएगा। मैं फिर बता दूं, m इज द रिलेटिविस्टिक मास, m जीरो इज द रेस्ट मास, और v बाई सी की वैल्यू बीटा दी हुई है, v इज द वेलोसिटी और v बाई सी की वैल्यू बीटा दी है, तो बीटा के टर्म में लिख लीजिए m बाई m जीरो डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 - β² या इसको फिर अरेंज कर लीजिए स्क्वायर रूट 1 - β² दिस इज इक्वल टू m जीरो बाई m, m जीरो बाई m, और m जीरो बाई m की वैल्यू अभी आपने m बाई m जीरो निकाला है, तो m जीरो बाई m निकालने के इसको उलट देंगे तो इसलिए आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 / 1 + f। m जीरो बाई m कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम हियर 1 / 1 + f, इस तरह से किया जा सकता है। स्क्वायर कर लो दोनों तरफ तो 1 - β² दिस इज इक्वल टू 1 / 1 + f² एक का स्क्वायर है तो पूरे का भी स्क्वायर कर सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। आर द वैल्यू फॉर β² दिस इज इक्वल टू इधर ट्रांसफर कर लिया तो 1 - ये इधर आएगा 1 - 1 / 1 + f² या बीटा की वैल्यू हो गई, बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लो तो स्क्वायर रूट 1 - 1 / 1 + f² सॉल्व कर लीजिए तो बीटा और एफ के बीच का यही संबंध हो गया, बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 + f² एलसीएम 1 + f² - 1 डिवाइडेड बाय 1 + f². यही रिलेशनशिप है बीटा और एफ के बीच में, यही आप इस तरह उत्तर दे सकते हो सही है, या फिर इसको और थोड़ा सॉल्व कर दो, बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर करो, एक एक कैंसिल करेगा तो स्क्वायर रूट बचेगा 1 कैंसिल कर गया एफ स्क्वायर प्लस 2ab 2f 1 कैंसिल कर गया डिवाइडेड बाय 1 + f² ये भी उत्तर हो सकता है, या फिर एफ कॉमन ले लो बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ अंदर आ गया एफ प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 + f². तो इनमें से कोई एक उत्तर लिख सकते हो, दिस इज द रिलेशनशिप, लिखा था आपको एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप इन बिटवीन बीटा एंड एफ, तो बीटा और एफ के बीच में ऐसा संबंध होगा। तो थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करने में। मैं फिर से रिपीट कर दूं, रिलेटिविस्टिक मास एक्सीड करता है अपने रेस्ट मास को बाई ए फैक्टर, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू द रेस्ट मास ए एफ कहलाएगा, और एक बार इसको बिल्डअप कर लिया तो फिर इक्वेशन को डेवलप करना बहुत आसान हो गया। तो इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल मैंने फिर आज आपको करा दिया, तो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी टेलिंग यू हाउ द एनर्जी इज रिलेटेड टू द मास एच ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फॉर टुडे।